मैम आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो मैम आज जो है बिजनेस का कुछ अलग होने वाला है, किसी और मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। जी जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बेड सीलिंग मशीन के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा बिजनेस है और हर कोई ये बेरोजगार भाई बहन जो भी है ये आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पैक करना है वो आपको बताते हैं। पहले आप मशीन देख लीजिए, ये हमारी मशीन किस तरह का है। ठीक है, ये जो मशीन है इसमें आप क्या क्या पैक कर सकते हैं, जैसे कि आपका मसाला हो गया, नमकीन हो गया, चिप हो गया और कुरकुरे है, पॉप है, आपको बहुत सारा जैसे ये बोलते हैं कॉटन भी होता है, बहुत सारा जो भी पैक करने वाली चीजें होती है, पापड़ वगैरह, हर एक चीज इस मशीन से पैक कर सकते हैं। अब ग्राम की बात करते हैं तो आपका 5 ग्राम से लेके 5 केजी तक आप कुछ भी पैक कर सकते हैं, चाहे आटा हो, चाहे सत्तू हो, चाहे बेसन वगैरह, हर एक चीज इसमें आप पैक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये बैंड सीलिंग है, आपको क्या क्या पैक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इससे ऊपर प्रोसेस में आप काम करना चाहते हैं तो आप उसका भी आपको बता सकते हैं। आइए पहले ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक है। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, इसमें आप क्या क्या पैक कर सकते हैं। ये रोल आपका देख रहे हैं, ये हमारा गुटका मसाला का है। ठीक है, आप रोल ऐसे लगाएंगे और इस तरह का आपका लरी निकलेगा। जैसे कि ये हमारा अगरबत्ती मशीन है, तो अगर आपको लरी निकालना है तो इस तरह का आप लरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ भी पैक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रहेगा, इसमें कुछ भी करना नहीं रहेगा आपको, ना ही उसमें डाल के पैक करना है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ रोल लगा दिए, जो मटेरियल है आप इसमें डाल देंगे, ये आपका कितने ग्राम तक आप इसमें एक, जैसे ये हमारा मशीन है 10 ग्राम से 50 ग्राम। ठीक है, अगर आपको 10 ग्राम का करना है तो यहाँ पे आप बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सेट कर दिया जाएगा 10 ग्राम, तो ओनली 10 ग्राम ही निकलेगा। अगर आपको 10 ग्राम की जगह 50 ग्राम पैक करना है तो यहाँ पे सेट कर देंगे, वो सिर्फ 50 ग्राम ही निकलेगा, ना इसमें कम ना कुछ ज्यादा, तो सबसे बेस्ट ये होता है। मैम हमें 2-4 एग्जाम्पल बता दीजिए बैंड सीलिंग के अंदर क्या क्या पैक कर सकते हैं और यहाँ पाउच पैकिंग मशीन के अंदर हम क्या क्या पैक कर पाएंगे। देखिए बैंड सीलिंग क्या होता है कि सब कुछ आपका सेमी ऑटोमेटिक होता है, मतलब लाइट तो होता है लेकिन आपको हाथ से पैक करना पड़ता है। कुछ भी पैक करिएगा तो हर एक चीज उसकी लरी नहीं बना पाएंगे। जैसे आप ये आप देख रहे हैं, ये आपकी लरी है। ठीक है, लेकिन आप बैंड सीलिंग में पैक करेंगे तो ये चीज जो है तो है ये एक एक चीज पैक होगा। ठीक है, इसका आप लरी नहीं बना सके। दूसरी चीज आपका क्या होता है कि ऑटोमेटिक मशीन में आपका एयर होता है, जैसे कि आपका बैंड सीलिंग में एयर नहीं होता है लेकिन आपका इसमें एयर भी होता है। मैम अगर दोनों मशीन की स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो कितने से दोनों मशीन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए मैं अगर बैंड सीलिंग की बात करते हैं तो हमारा 20,000 से स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिक हमारा 90,000 से स्टार्ट है। और मैम सर्विसेज के बारे में बता दीजिए। वर्क सर्विस आपको फ्री मिलेगा, मशीन इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैम इसका प्रोडक्शन क्या रहेगा दोनों मशीन का। प्रोडक्शन देखिए पर मिनट जो प्रोडक्शन होता है कम से कम 45 से 55 पीस पर मिनट निकलता है। ओके मैम, अगर इन दोनों मशीन में से हम कोई भी एक मशीन लगाते हैं तो हमारे पर डे का इनकम क्या बनेगा। अगर हम बैंड सीलिंग लगाते हैं तो हमारा मंथली का जो इनकम होता है वो 30,000 है, और अगर हम ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो हमारा 60 से 90,000 आएगा। मैम अगर ये दोनों मशीन को हमको रन कराना है अपने पास तो कमर्शियल कनेक्शन ले या फिर घर की बिजली काफी होगी। घर की बिजली काफी होती है। मैम थोड़ा इसके मोटर के बारे में जानकारी दे दीजिए। जी, इसमें देखिए आपका 2 HP का मोटर रहेगा, सिंगल फेज से चलती है मशीन। और मैम अगर हमारे व्यूअर्स आते हैं आपसे मशीन लेते तो उनके लिए क्या ऑफर कुछ है। जी जी, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आते हैं तो आपका इस मशीन के साथ 5% और आपका छूट रहेगा। ठीक है, और बाकी इसमें जो भी आपका मटेरियल वगैरह है तो मटेरियल वगैरह भी आपको हमारे यहाँ ही मिलेगा, कोई जैसे नमकीन का हो गया, चाहे ये मुगल का मसाला का हो गया, आपको मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा है तो हम मशीन भी देंगे और इस तरह रैपर भी देंगे। अगर आपको छपवाना है तो छापने का भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस नाम से आपको छापना है, लेकिन आपका खुद का जैसे नमकीन पैक करना ये सब आपका खुद का होना चाहिए। आपको सारी जानकारी तो मैंने दे ही दिया है, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई जानकारी छुटी हुई हो या कुछ आपको डाउट वगैरह हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। और हमारा जो ऑफिस है अर्दली बाजार ट्रैक्टरपुर गैदुरा, बनारस में अर्दली बाजार ट्रैक्टरपुर गैदुरा, तो नंबर पर कॉल करिए और ऑफिस विजिट करिए, सारी मशीनें देखिए और ले जाइए।